नमस्ते, इंडियन कुकिंग रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मिर्ची फ्राई। मिर्ची फ्राई बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको बना के समोसा, कचौरी और खमन के साथ सर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं मिर्ची फ्राई बनाना। मिर्ची फ्राई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 9 से 10 हरी मिर्च ली है। इनको मैंने धोकर काट लिया है। थोड़ा सा मैंने तेल लिया है फ्राई करने के लिए। नींबू लिया है, आधा नींबू है ये। आधा छोटा चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है और नमक लिया है स्वादानुसार। तो शुरू करते हैं मिर्ची फ्राई बनाना। मिर्ची फ्राई बनाने के लिए मैंने ये जो मिर्ची ली थी, इसको हम बीच में से चिरा लगा लेंगे। इसको थोड़ा सा हम आगे से कट कर लेंगे और इसको हम बीच में से चिरा लगा लेंगे इस तरह से। इसके हम बीज नहीं रिखा निकालेंगे, एज इट इज़ वैसे ही रखेंगे। अगर आपको बीज पसंद नहीं है तो आप निकाल सकते हैं। सभी मिर्ची को हम इसी तरह से कट कर लेंगे, थोड़ा सा आगे से कट कर लेंगे और फिर बीच में से इसको चिरा लगा लेंगे, काट लेंगे। इसके डंठल अगर आपको रखने हैं तो आप रख सकते हैं, और निकालने हैं तो निकाल के फेंक सकते हैं। मैंने इसके डंठल एज इट इज़ वैसे ही रखे हैं। अब हमारी ये सारी मिर्चियाँ कट हो गई हैं। अब हम इसमें जैसे हमने चीरा लगाया है, इसमें हम नमक भर के रख देंगे। सब मिर्ची को हम ऐसे ही नमक लगाएंगे, जिससे कि इसका जो तीखापन है वो कम हो जाए। ये मैंने सारी हरी मिर्च को नमक लगा के रख दिया है, आप देख सकते हैं। अब इनको हम 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे और फिर इनको फ्राई कर लेंगे। अब हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। ये मिर्ची को मैंने नमक लगा के रखा था, इसलिए ये सब हरी मिर्च ने थोड़ा थोड़ा पानी भी छोड़ दिया है। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। अब हम मिर्ची फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने गैस के ऊपर एक पैन रख दिया है। गैस को हम ऑन कर देंगे। गैस को हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और ये जो मैंने तेल लिया था मिर्ची फ्राई करने के लिए, इसको हम ले लेंगे। तेल हमें बहुत थोड़ा सा यूज़ करना है, ज़्यादा तेल का हम यूज़ नहीं करेंगे। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे और फिर इसमें मिर्ची को फ्राई करेंगे। अब हमारा तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हम सब मिर्ची को फ्राई कर लेंगे। लगभग हम इनको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और फ्राई करते टाइम हम जो गैस की फ्लेम है वो मीडियम रखेंगे। बीच बीच में हम इसको चलाएंगे। अब हम इनको एक बार पलटा लेते हैं। अब हमारी मिर्ची जो है वो आप देख सकते हैं कि अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और सारी मिर्चियों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो हम निथार लेंगे। अब ये मिर्ची फ्राई होने के बाद मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसके ऊपर ये जो मैंने आधा नींबू लिया था, इसको हम थोड़ा सा निचोड़ देंगे। इसके मैंने बीज निकाल लिए थे पहले से ही। नींबू निचोड़ने से जो इसका जो स्पाइसीपन है वो कम हो जाता है। और ये जो मैंने चाट मसाला लिया था, इसको हम थोड़ा सा इसके ऊपर से छिड़क देंगे। चाट मसाला ये मिर्ची का स्वाद और बढ़ाता है। चाट मसाला की जगह पे आप जो जीरावन आता है उसको भी ले सकते हैं। और इसको चम्मच की सहायता से मिक्स कर देंगे। अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हमारी मिर्ची फ्राई ये बन के रेडी है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।